नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़ में। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि आईपीएल के आठवें मैच में केकेआर ने हैदराबाद को हरा दिया, जहां हैदराबाद की लगातार यह दूसरी हार भी थी। बता दूं कि आईपीएल 13वें में अपनी लगातार दूसरी हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 से 40 रन कम बना पाई, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वार्नर ने टॉस जीतकर हैरानी भरा फैसला करते हुए बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन टीम 20 ओवर में मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी, यानी 18 ओवर में ही मात्र 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वार्नर ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था। हमारी ताकत डेथ ओवरों की गेंदबाजी है। मुझे लगता है कि इस विकेट पर तेजी से रन बनाना आसान नहीं है। मैच की शुरुआत में जो किया उससे मुझे पछतावा नहीं है, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मध्य क्रम में 4 से 5 ओवरों में हमने सिर्फ 20 रन बनाए, यहाँ हमने समय बर्बाद कर दिया। 30 से 40 रन और होते तो अच्छा रहता। दरअसल मनीष पांडे 51, वार्नर 36 और रिद्धि मंसा 30 रन की पारियां बड़े लक्ष्य देने में नाकाम साबित हुई। इस हार के बाद डेविड वार्नर ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो गलती थी बल्लेबाजी चुननी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी कि मिडिल ऑर्डर में हमने रन कम बनाया, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। बता दूं तो 2 मैच हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई है।